मैं जब 3 साल का था तो ठठरती सर्दी में एक दिन दादा ने स्कूल में दाखिल करवा कर उम्र 5 साल लिखवा दी कि सरकारी स्कूल में उस वक्त 5 साल से कम उम्र के बच्चों का दाखिला ममनू होता था। जबकि मेरा यार जुमा गुल अपनी अम्मा की गर्म गोद में बैठकर चाय पराठे ठोंसता रहा। मैं टाट पर बैठकर सुबह से दोपहर तक अलिफ से अल्लाह और बे से बकरी पढ़ता रहा और जुमा गुल गले में गुलेल डालकर गांव के दरख्तों में परिंदे मारता रहा। हम जब आंसू भरी आंखों से जुमा गुल की तरफ देखते तो दिल का हाल जानकर अम्मा बोलती, बेटा तुम एक दिन बड़ा अफसर बनेगा और जुमा गुल जैसे लोग तेरे नौकर बनेंगे। स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, हमारी किस्मत में सिर्फ किताबों का ढेर चाटना रह गया, जबकि जुमा गुल गांव का लुच्चा लिफंगा बनकर जवानी के मज़े लूटता रहा। फिर हमने PhD थीसिस जमा करवा कर गोया अलामा बनने की ठान ली तो उधर गांव में जुमा गुल ने बगल से पिस्तौल का होलस्टर हटाकर कंधे पर कलाशन कोफ रखनी शुरू कर दी। फिर हमने पीछे कभी मुड़कर नहीं देखा। कहाँ का जुमा गुल और कहाँ मैं, हम बकौल अम्मा के वाकई अफसर बन गए और गांव से अपना नाता टूट गया। अपनी अफसरी, शहरी बीवी और बच्चों में ऐसा खो गए कि याद भी नहीं रहता था कि जुमा गुल क्या कर रहा होगा। अम्मा के बाकी सारी बातें बिल्कुल सच साबित हो चुकी थी, बस कभी कभार उनकी ये बात दिल के दरवाजे पर दस्तक देकर बेचैन कर देती कि जुमा गुल तुम्हारा नौकर बनेगा। और फिर मैं कैम्ब्रिज में पढ़ते अपने बच्चों को हर वक्त यही राग सुनाता कि बेटा मेरी तरह बनो, जुमा गुल मत बनो। मेरे बच्चे मुझसे पूछते कि पापा हु इज जुमा गुल, यानी जुमा गुल कौन है, और मेरा जवाब हमेशा यही होता कि मेरे नौकर। सालों बाद गांव जाना हुआ, बीवी बच्चे साथ थे, गांव फैल कर जैसे छोटा सा शहर बन गया हो। एक दिन पैगाम आया कि जुमा गुल नामी बंदे ने अहले खाना समेत दावत पर बुलाया है। मेरे अंदर एक कमीनी सी खुशी दर आई कि जुमा गुल को दिखाऊंगा कि पढ़ाई लिखाई और उस्ताद रहीम दाद की सोटी उन्हें मुझे कहां से कहां तक पहुंचा दिया। और वो सदा लुच्चा लिफंगा आज भी दो वक्त की रोटी के लिए मर रहा है। बेगम को ताकीद की कि 5,000 उसकी बीवी को थमा देना, रात को अपनी 4,000 CC गाड़ी में बैठकर जुमा गुल के घर पहुंचा तो सन्नाटे में आ गया। शहर में 300 गज बंगले वाला अफसर 4,000 गज वसी बंगले को देखकर हैरत से दांतों में उंगली दबाए रह गया, जिस पर जुमा गुल पैलेस का नीम प्लेट उसका मुंह चिढ़ा रहा था। बंगले के अंदर लैंड क्रूजर्स एक शान से खड़ी थी। वास्कट पहने जुमा गुल गर्म जोशी से आगे बढ़कर मेरे गले लग गया कि डॉक्टर साहब बड़े आदमी बन गए हो, भूल गए हम जैसे गरीब और अनपढ़ लोगों को। मेरी बीवी और बच्चे मुंह खोले हैरानगी से बंगले को देख रहे थे और जुमा गुल बता रहा था कि अम्मा की दुआओं से वो आज सियासतदान बन गया है। जब भी अदम एतमाद की हवा चलती है वो 40-50 करोड़ बना लेता है। अचानक मेरे बेटे ने अंग्रेज़ी में मुझसे पूछा कि बाबा ये वही जुमा गुल है जो आपका नौकर है। मेरी खामोशी पर छोटे वाले बेटे ने अंग्रेज़ी में कहा, बाबा मैं भी जुमा गुल बनूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।